ओके गाइस, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकनर्स अगेन। और आज का मार्केट मुझे तो समझ नहीं आया, ठीक है, मैं बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ट्रेड करने के लिए जो बिहेवियर ऑफ कैंडल्स चाहिए मॉर्निंग में वो नहीं मिली। आई विल एक्सप्लेन कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्या रीज़न था, एंड देन आई हैव क्रिएटेड मतलब बुलिश पोजिशन, ठीक है, पर मैंने 27 अप्रैल वाली एक्सपायरी में ली है, ना कि 20 अप्रैल वाली एक्सपायरी में, ठीक है। तो ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि है, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट निफ्टी ऑल्सो। ओके, तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता दूँ फिर से अगेन, जहाँ तक आप जानते हो अच्छे से कि मार्केट ने जब इस एरिया से बुल रन स्टार्ट किया था, देन वी डिड समथिंग लाइक दिस। मतलब ये जो एक लाइन आ रही है यहाँ से, ट्रेंड लाइन, जिसमें मार्केट बार बार रुक रही थी, वो अभी तक इंटैक्ट थी, लेकिन रिसेंटली मार्केट ने इस जगह पे इसको ब्रेक कर दिया, इस जगह पे, और इसी जगह पे मार्केट ने थोड़े से ना तीन कैंडल साइडवेज बनाए हैं बार 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 बार, करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो वो बेस एरिया हो गया जहाँ से मार्केट ने एक नया अपना अवतार निकाला है, ठीक है, नया एरिया यहाँ से क्रॉस किया है, पर इस जगह को क्रॉस करके मार्केट बहुत ऊपर निकल गई, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, 41,200 से लेके 42,600 के आसपास टच कर लिया उसने बेसिकली, ठीक है। अगर क्लोजिंग की बात करूँ तो 42,200 जो कि एग्जैक्ट 1000 पॉइंट है, विदाउट अ ब्रेक, मतलब मार्केट बिल्कुल सीधे निकल गई, यहाँ पे कोई ना रिवर्स नहीं आया इस जगह पे। ओके, तो ये तो क्लियर व्यू रहा कि बेसिकली मार्केट बुलिश है, ठीक है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट कि मार्केट को ऐसे इस एरिया में आना चाहिए एक बार, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल नीचे तक आ जाए यहाँ तक, बट एक मतलब थोड़ा सा मार्केट में व्यू को पचाने के लिए, मार्केट के मूव को पचाने के लिए मार्केट को यहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा, एंड देन वी आर रेडी टू गो अप। ओके, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हम इसमें ऊपर जाने को रेडी हैं, नीचे जाने के लिए एक लॉन्गर टर्म व्यू में मार्केट को ये लो ब्रेक करना होगा, ये जो रेड एरिया है ना इसको ब्रेक करना होगा, दैट इज 41,000, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लो कि ओवरऑल इन बिगर टाइम फ्रेम अगर 41,000 ब्रेक नहीं होता है तो यू नीड टू गो फॉर अ बुलिश व्यू ऑन अ वीकली बेसिस या बाई वीकली बेसिस, ठीक है। अब चलो आगे डिस्कस करते हैं, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है आज, ठीक है। अब देखो, यू ऑल नो कि मुझे ट्रेड लेने के लिए ना एक, जब तक वो एक प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगा ना, ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट ऊपर की तरफ, तब तक मैं ट्रेड नहीं ले सकता। अब क्या हुआ मार्केट में ना, एक तो मैं वेट करने वाला 9:45 तक, तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, वेट करते करते मार्केट ने ये तीन कैंडल बना दी, 1, 2 और 3। अब ये तीन कैंडल बन गई, यू कैन सी द मूवमेंट, 42, ये देखो 42 कितना हो गया, 400, 42,400 और नीचे की तरफ यू कैन से 41,800। इमेजिन द डिफरेंस, 600 पॉइंट्स। ओके, तो आपने देखा होगा कि मैंने टेलीग्राम पे बोला कि मैंने बोला कि आज ट्रेड नहीं ले सकता बिकॉज मॉर्निंग बिग कैंडल SL वॉज टू हाई, ठीक है। तो टू हाई का मीनिंग यही है कि मैं अगर मान लो ये रहा और मुझे लग रहा है कि बेरिश है, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, मान लो मार्केट ने ये किया, एक ग्रीन बनाया फिर रेड बनाया, ये एक बेरिश साइन ऑफ प्राइस एक्शन है, पर अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है तो व्हाट इज द SL, मतलब अगर मैं 41,800 के पास एक सेल ऑर्डर मारता तो मेरे पास SL क्या है, 41,100, 300 पॉइंट ऊपर, जो कि एक मेरे स्टाइल में, जो इन द मनी सेल करने वाले स्टाइल में, मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है। मैं 300 पॉइंट नहीं दे सकता, आई कैन गिव ओनली 80-100 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा पॉइंट देना प्रेफरेबल नहीं है। दूसरा कि ये वही एरिया है जहाँ पे ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, तो मार्केट सीधे अप से हाई टच कर गया बिल्कुल डाउन मूव में। अब दिक्कत ये आती है कि अगर इतने प्रेशर में मार्केट नीचे गिरा है तो आप यहाँ पे ना बाई ट्रेड भी नहीं बना सकते, मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं तो सपोर्ट पे बिल्कुल यहाँ पे बाई मार देता, और मैं भी आपको बोलता कि नहीं मेरे को तो पता था सपोर्ट है और मैं यहाँ से बाई मार देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। व्हेनेवर अगर बड़ा मूव होता है मॉर्निंग के 15-20 मिनट 40 मिनट में ही, और 600 पॉइंट का मूवमेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है सेंटर में, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में घूमता रहेगा, क्लियर। इसको क्रॉस करने में उसको बहुत तकलीफ होगी और इसके नीचे जाने में उसको बहुत तकलीफ होगी, ये पूरे एरिया में जिगजैग घूमता रहेगा, और इस एरिया में अगर मैं ट्रेड लूँगा बड़ी क्वांटिटी से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्लियर है।
ओके, तो इसलिए इंट्राडे में तो कोई ट्रेड नहीं बनी। ओके, अब इंट्राडे में ट्रेड नहीं बनी, पर डेली वाइज वी नो कि मार्केट कैसी है, बुलिश है। तो अब मुझे एक ऐसी ट्रेड चाहिए थी जो मुझे आगे सपोर्ट करे, आगे सपोर्ट करे मतलब ऑन द 27th एक्सपायरी, मतलब अप्रैल वाली जो 27th की एक्सपायरी होगी, ना कि 20 की। मैं 20 की एक्सपायरी में भी सेम ट्रेड बना सकता था, मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर किया ये ट्रेड, लगभग इसमें 2 CR का मार्जिन लगा है और 9-10 लाख का SL होगा और लगभग 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये ट्रेड डिप्लॉय मैंने की 27 में, रीजन मैंने आपको बताया 27 डिप्लॉय इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीक है, ये जो आज का 18, 19, 20, 21, ये जो 3-4 दिन है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा, ठीक है, मार्केट उसके बाद ऊपर को जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से 27th अप्रैल की एक्सपायरी की ट्रेड बनाई जिससे मुझे टाइम मिल जाए। ऑफकोर्स इंट्राडे वाइज आई विल बी ऑन द शॉर्टर साइड, मैं उसको संभालता रहूँगा ट्रेड को, बट मैंने एक बुलिश ट्रेड बनाई है थोड़ी सी ऊपर, मैं वो भी अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो तो अभी पहले वो ट्रेड भी देख लेते हैं, फिर मैं इंट्राडे का व्यू बताता हूँ। ये रही देखो वो ट्रेड, मैंने एक तरीके की ये समझ लो बुलिश बटरफ्लाई है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉल्स का इस्तेमाल किया इस ट्रेड को बनाने के लिए, तो इसका मतलब है ये एक बटरफ्लाई है। आयरन फ्लाई उसको बोलते हैं जिसमें कॉल्स एंड पुट्स दोनों होते हैं, बटरफ्लाई वो हो गया जिसमें कॉल्स ही कॉल्स या पुट ही पुट होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आप अगर आपको ना पता हो, ठीक है। देन आई यूज्ड अराउंड लगभग 2 CR भी नहीं, 1.8 CR के आसपास यूज किया है मैंने, और 400 लॉट्स की ट्रेड है, मतलब 400 लॉट्स सेल है कॉल एंड 400 लॉट्स बाई है, ठीक है, ओके। इस वक्त ये -1 लाख चल रही है, बट डिप्लॉय करते टाइम काफ़ी, अगर बड़ी क्वांटिटी में आप डिप्लॉय करते हो तो इसमें काफ़ी स्लिपेज चला जाता है, ठीक है, ये कई बार ऐसा होता है, पर सेटल हो जाता है नेक्स्ट डे, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, ओके, क्लियर। अब मैंने बुलिश बनाई है क्योंकि मार्केट जिस जगह पे है, मैं सोचता हूँ कि मार्केट उससे ऊपर जाके 27th अप्रैल को क्लोज होगी, ये मेरा व्यू है, इसी बेसिस मैंने ट्रेड बनाई है, ठीक है। मैंने डाउन साइड में उतना लॉस रखा है जितना मैं झेल सकता हूँ, बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है, ये रही, अगर मार्केट ने जो आज का लो है उसको ब्रेक किया तो मैं ये ट्रेड काट दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मार्केट ने जो आज लो बनाया है, ये अगर ये लो मार्केट ने ये वाला लो इसको ब्रेक कर दिया कल परसों जिस भी दिन, मैं उस दिन इस ट्रेड को काट दूंगा सीधा सीधा, बिना किसी एडजस्टमेंट या बिना किसी कोशिश के ये ट्रेड काट दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद बेरिश ट्रेड बनती है और मैं बेरिश ट्रेड को इंट्राडे में ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर मानूंगा, क्लियर, ओके। तो आप समझ गए, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे 41,800 ये इलाका है इसको ब्रेक करेगी, मान लो जैसे कल कर देती, तो मुझे 3-3.5 लाख के आसपास का लॉस होगा, मैं ट्रेड काट दूंगा, आई डोंट केयर, मैं उसके बाद इंट्राडे में कॉल सेल कर दूंगा कुछ इन द मनी का, क्योंकि मुझे अच्छी ट्रेड मिलेगी, मार्केट अपना लो ब्रेक कर रहा है बहुत दिनों के बाद, तो अच्छी ट्रेड मिलने के आसार है, ठीक है। पर अदर देन दैट, अगर मार्केट इसके ऊपर ही साइडवेज चलती रहती है तो आई विल ट्राई टू होल्ड इट टिल 27th, ओके। बाकी मैं इसमें कोई खास एडजस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूँ, आई विल जस्ट ट्राई कि ऊपर गई तो आई विल होल्ड, इसके नीचे गई तो मैं क्लोज कर दूंगा, सिंपल। इसमें इतना दिमाग मत लगाओ कि एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, अगर मेरा व्यू है बुलिश तो आपको सिर्फ बुलिश के लिए एक एरिया रखना है कि यहाँ पे काटना है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने आपको देखा ये रही ट्रेड, ओके, इन सब में मत जाओ, मैंने अपर साइड का लिमिट रखा है 43,500 के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट 43,500 क्रॉस करना अभी मतलब टफ है मार्केट के, क्योंकि ये जो आज का मूव था, और ऊपर से ना आईटी के जितने स्टॉक्स हैं बहुत नीचे वो गिर रहे हैं और मार्केट को खींचा जा रहा है, ठीक है। मार्केट जब खींचेगी तो बैंक्स भी ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। आज मार्केट में ना कुछ बैंक्स के सपोर्ट की वजह से ऊपर चली गई मार्केट, बट बैंक HDFC बैंक नीचे को था तो वो ड्रैग करता रहा उसको, क्लियर। पर अब चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो ट्रेड ये रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको अपडेट करता रहूँगा, यहाँ पे मैंने सेव भी कर रखा है, आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है मैंने यहाँ पे सारा कुछ, जो लोग टेलीग्राम पे नए हैं वो लोग टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को फॉलो कर सकते हैं, आपको इंट्राडे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। चलो अब मैं एक्सप्लेन करूँ कुछ चीज़ें, ये मतलब एक प्रेफर्ड लॉजिक है पर मैं आपको समझाऊँ। देखो क्या होता है कि मार्केट आज जब बिल्कुल ऐसे नीचे को खुली ना, तो आप निफ्टी ले लो चाहे बैंक निफ्टी ले लो, ठीक है, इन दोनों का क्या था कि मार्केट ने फटाक से देखो 600 पॉइंट का मूव दिया, निफ्टी ने तो बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं धराशायी ही कर दिया, निफ्टी तो एकदम ही नीचे को चली गई, क्लियर। ये देखो ये जो
बिल्कुल ही लो के नीचे खुली, पिछले दिन के लो के नीचे, उसके पहले के लो के नीचे, सीधे चली गई नीचे और काफ़ी डाउन मूव क्रिएट किया। पर मुझे ये पता था कि मार्केट ना सस्टेन ऊपर को ही करेगी एट द एंड। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ एंड देन मैं ये रीज़न बताता हूँ कि ये सिर्फ सोच थी और इसके ऊपर ट्रेडिंग क्यों नहीं की गई, ये बताता हूँ। देखो क्या होता है कि निफ्टी बोल रहा हूँ, इन्फोसिस, TCS, ये देखो TCS 50 पॉइंट डाउन 1.5%, और इन्फोसिस कहाँ गया, ये देखो इन्फोसिस तो बिल्कुल पता नहीं कितने पॉइंट डाउन खुला, ठीक है, लगभग चार्ट गड़बड़ दिखा रहा है बट लगभग 9% के आसपास का डाउन है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये ऐसे स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, TCS, ये इस टाइप के स्टॉक्स हैं जिनको ना लोग एक्यूमुलेट करने की सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये मॉर्निंग में ही 10% सर्किट लगा रहे हैं, अगर समझ लो, और 11-12% का डाउन चल रहा है, तो आप इतना समझ लो कि कोई ना कोई, इतने अच्छे स्टॉक्स हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कई सारे फंड हाउसेस हैं जो इन्हें इकट्ठा करने के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बाइंग ऑर्डर डाले तो उससे ऑफकोर्स मार्केट अपना लो जो है उसको होल्ड करके रखेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ को जाने लगेगा। तो यही हुआ है मार्केट में, आप देखोगे कि मार्केट ने जो जल्दी से लो लगाया मॉर्निंग में, उसके बाद मार्केट स्लाइटली ऊपर जाने लगा धीरे धीरे धीरे। ये कोई अप मूव नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बुलिश मूव, ये धीरे 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 जो कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ लोगों ने धीरे धीरे जो बैंक्स गिरे मिल गए, जो IT स्टॉक्स अच्छे गिरे मिल गए, उन्हें बाई करते रहे, उसकी वजह से मार्केट को धीरे से एक सपोर्ट मिला है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी चक्कर में मुझे ये पता था कि निफ्टी अपना जो सपोर्ट है, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी अपना जो सपोर्ट है वो उसको ऑफकोर्स ऊपर की तरफ खींचेगी। क्यों? क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको इकट्ठा करना बनता है। मैंने भी टेलीग्राम पे आप सबको बोला था कि अगर कोई चाहता है तो वो ITBs, इन्फोसिस, TCS, इनको ऐड कर सकता है इन योर स्टॉक्स, अगर आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तब भी आप थोड़े बहुत इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स हैं ये और अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं। ये हो सकता है अभी 1200 से 1000 भी चला जाए बट ये इकट्ठा ही करने लायक स्टॉक है, क्योंकि इन्फोसिस, TCS, इनसे अभी हमारा देश चल रहा है, ठीक है। तो अभी इस वक्त ये ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन बर्बाद हो जाएंगे, ये अच्छी कंपनी है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बनता है, और कई फंड हाउसेस ने भी बाई किया होगा, उसी वजह से ये मूव आया था। तो मैंने आपको वजह बता दी, मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली इस वजह के बिहाफ पे, क्योंकि ये जो फर्स्ट मूव था ना, इसकी वजह से वॉलिटिलिटी बड़ी क्रिएट होती है, एंड मैं लो प्रीमियम में ट्रेड करने वालों में से नहीं हूँ कि मैं 30-40 रुपये बेचूँ तो मुझे वो फील ही नहीं आएगा, मैं बेचूँगा क्या, एट द मनी या इन द मनी, उसमें अगर वॉलिटिलिटी में फंसा तो मुझे बार बार SL देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आप कभी भी, जब भी मार्केट में बिगनिंग में 500 पॉइंट का मूव आ जाए, तो समझ जाना आज का दिन बहुत डल होने के चांसेस हैं, क्लियर, ओके। इस वजह से ट्रेड इंट्राडे में नहीं ली गई, और पोजिशनल ट्रेड मैंने आपको बताई, जो मेरा पोजिशनल व्यू है ऊपर जाने का, वो भी अगले वीक, इस वीक नहीं, इसलिए मैंने ये एक ट्रेड बनाई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। चलो अब इंट्राडे में आते हैं कि कल क्या किया जा सकता है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। ये पहले, सबसे पहले बैंक निफ्टी देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए कि आप प्लीज़ जब तक बुलिश ट्रेड तो बिल्कुल मत लेना जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है, दैट इज 42,350, मतलब ये जो हाई था ना इसके ऊपर जब तक 15 मिनट में सस्टेन ना कर लेना मार्केट और ऐसा प्राइस एक्शन ना बनाए तब तक आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेनी है, क्लियर है, बिल्कुल याद रखना। दूसरा, मार्केट ने ना ये रेड बनाया, ये ऊपर गई, पॉज लिया, पॉज लिया, देन ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये जो पॉज एरिया है ना, दैट इज 40 to 50, जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक बेरिश ट्रेड नहीं है। तो मतलब ये 42,50 और 42,350, इसके बीच में मार्केट कैसा होगा, एकदम चौपी, कोई चांस नहीं फॉर द डायरेक्शनल मूव, ठीक है। इसके नीचे आने पे भी ना मार्केट में सिर्फ इतना मूवमेंट है, सबसे पहला जो आएगा जो कि है 200 पॉइंट का, तो आप ये 150-200 पॉइंट गैदर करने के बाद यहाँ पे वेट कर सकते हो, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना इस लो को, तब जाके हमें कोई अच्छी बेरिश ट्रेड मिलेगी, क्लियर। तो तीनों सिनेरियो आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट इसके और इसके बीच में खुली, डोंट ट्रेड, इसको क्रॉस करो तो बाई करना है, इसको क्रॉस किया तो कम क्वांटिटी में सेल करना है, क्योंकि ओवरऑल व्यू बुलिश है, ठीक है। ऊपर गया तो आप रेगुलर क्वांटिटी में बाई कर सकते हो, नीचे गया तो कम क्वांटिटी में सेल कर सकते हो। इफ़ मार्केट ओपन्स इसके भी नीचे तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, एंड ऐसा हुआ तो सेल कर देना है। अगर यहाँ खुलने के बाद ऊपर को आ गई तो फिर से चौपीनेस क्रिएट होगी, डोंट डू एनीथिंग। अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया तो ऑफकोर्स बाई है, एंड अगर डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो फिर हमें प्राइस एक्शन देख के मैं सेल की तरफ प्रेफर करूँगा। बाइंग में मुझे नहीं लगता हमें कुछ खास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो बड़ा गैप अप सस्टेन नहीं करेगा। जैसे आज भी
42600 के पास ओपन था, पर मार्केट फटाक से मार्केट ने 42000 का लो लगाया, तो ऐसे सस्टेन करना आसान नहीं होता। ठीक है, निफ्टी देखते हैं। निफ्टी ने ना मतलब सारा गेम ख़राब कर दिया और कुछ नहीं, जो बड़ा सा मूवमेंट था ना उसको पूरा ही बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, आप देखोगे निफ्टी ने अपना पुराना लो ब्रेक कर ही दिया है, तो ये जो एरिया है ना, ये जहाँ से मार्केट गिरी ये एरिया और ये जो लो है, अब मार्केट इसके बीच में ट्रेड करने वाली है काफ़ी टाइम। ठीक है, क्योंकि ये लंबा एरिया दिख रहा है मुझे 17780 और नीचे की तरफ 17580, ये 200 पॉइंट्स है, काफ़ी होते हैं निफ्टी को घूमने के लिए। पर अगर मार्केट गलती से ना इसके नीचे गया 17580 के नीचे, तो पक्का बेरिश है, और ऊपर की तरफ गया तो चौपिनेस है। ऊपर बाइंग तभी है जब ये इसके ऊपर जाए 840 के ऊपर, अदर देन दैट कोई बाइंग नहीं है। तो बाइंग तभी है जब इसके ऊपर जाए, फ्लैट खुला चौपिनेस कंटिन्यू रहेगी। 17780 से 17580 के बीच आपको वॉलिटिलिटी मिलती रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें, और आप इसमें परेशान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है निफ्टी ट्रेड करना बहुत टफ होगा फॉर द नेक्स्ट वीक 4-5 डेज। बैंक निफ्टी शायद थोड़ा आसान पड़ सकता है, निफ्टी में भी आप बेरिश ट्रेड ले सकते हो, सेम वही सिचुएशन इस एरिया के नीचे, दैट इज 17650 के नीचे आप बेरिश ट्रेड ले सकते हो, बट एज पर द प्राइस एक्शन, और छोटे छोटे ऐसा लगाना, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस वीक में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अ डायरेक्शनल ट्रेडर। ये मेरा एक नोट है, इसको मतलब जो भी समझो आप, ठीक है। बट इस वीक थोड़ा कम क्वांटिटी में डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज़ फाइन इफ़ यू आर अ आयरन फ्लाई प्लेयर, आयरन कॉन्डोर प्लेयर, हो सकता है आपको बेहतर रिजल्ट मिले इस वीक। ये वीक थोड़ा फंसा हुआ दिख रहा है मुझे, अदर उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, आई विल ऑल्सो बी डूइंग विद लेस क्वान्टिटी, क्लियर। चलो टाटा बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफकोर्स लाइक करें। जो लोग नए हैं थीटा गेनर्स पे वो लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंट्राडे रिलेटेड एवरीथिंग आपको कहाँ मिलेगी, थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल पे। ये अपना अकेला चैनल है, कोई ऐसा दूसरा चैनल नहीं है थीटा गेनर्स का, ये आपको 104,000 लगभग सब्सक्राइबर है, वही ज्वाइन करना, नथिंग एल्स। ओके, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।